अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका भाई आपकी जान अहमद और मेरा भाई दरियाब, हम आज आए हुए हैं जी राजा बाजार स्पोर्ट्स गली, जो कि रावलपिंडी की एक बड़ी मशहूर गली है स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको मैं अभी स्पोर्ट्स गली के मनाजिर दिखाऊंगा और यहाँ पर आपको हर किस्म का स्पोर्ट, बेशक वो आप समझ लें कि इंग्लिश स्पोर्ट्स हो या हमारा देसी कल्चर का स्पोर्ट्स हो और हमारी हॉबी हो, बेशक वो भी मिल जाता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ मैं आपको भरपूर किस्म की वैरायटी और बैट्स की दिखाऊंगा और कहीं फुटबॉल भी दिखाऊंगा और इसके साथ साथ कहीं कैरम बोर्ड वगैरह इस तरह की इंफॉर्मेशन भी देंगे। और यहाँ पर मैंने देखा है कि डंबल्स वगैरह भी एक्सरसाइज के लिए जो काम आते हैं वो भी पड़े हुए हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे और उनके रेट पूछेंगे और आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जो बैट है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हम लेने आए हुए हैं बैट, वो भी हमारा एक भाई है रेहान दोथर साहब के लिए भी हम लेकर आए, हम लेने आए हुए हैं बैट। वो कह रहा है कि कोई इतना सस्ता सा बैट मिल जाए और हो भी अच्छी क्वालिटी का, तो देखते हैं अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो आगे हम चलते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्पोर्ट्स के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम हमजा स्पोर्ट्स के ऊपर रुके हैं, जो कि यहाँ पे एक बड़ी दुकान नजर आ रही है और हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे हमें नजर आ रही है। यहाँ पे हमें बाहर में आउटलेट पे विकेट्स वगैरह और कैरम बोर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं, अंदर इन्होंने शानदार किस्म के बैट्स भी रखे हुए हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे, उनके ऑनर का रिव्यू भी लेंगे और कुछ बैट्स का, ज्यादातर हम बैट्स के रिव्यू लेंगे और जो क्रिकेट के शौकीन है उनको तो कमेंट भी करना चाहिए कि किस तरह के बैट है और हमने सस्ता लिया या महंगा लिया, क्योंकि आज हम लेने आए हैं बैट। तो चलते हैं अंदर। तो ये देख, ये यहाँ पर इनके पास कुछ इस तरह ये कैबिन्स में इन्होंने ये ट्रॉफीज वगैरह जो ये स्कूल्स वगैरह में देते हैं उस तरह की भी, और यहाँ पर ये जो नॉर्मल ग्रिपर्स और जो आपके फुटबॉल शूज होते हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये आगे फुटबॉल की कलेक्शन आ जाती हैं। ये हमारे ऑनर है और ये देखें, ये फुटबॉल्स की और ऊपर बास्केटबॉल लगे हुए हैं। ये नीचे यहाँ पर वही शूज वगैरह कुछ लगे हुए हैं और यहाँ पर नीचे बैट्स वगैरह, यहाँ पर ये देखें बैट्स कितने शानदार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जेडी का बैग भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और केएनबी का और बहुत से यहाँ पर बैट, जैसे कि अगर हम ये बैट, अच्छा तो दोस्तों मैं आपको बैट्स के बारे में बता रहा था, तो ये देखें बैट्स बड़े शानदार से बैट यहाँ पर लगे हुए हैं, हर किस्म के, जिसको बिट कम चाहिए वो भी बैट है और जिसको बिट ज्यादा चाहिए वो भी बैट यहाँ पर, क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। जैसे कि अगर हम बैट्स की बात करें तो यहाँ पर लोग, कई लोग होते हैं वो मोटी ग्रिप जो होती है वो इस्तेमाल करते हैं, कई लोग जो होते हैं वो बिट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका शायद बिट ज्यादा पे हाथ बैठा होता है, और कई होते हैं जो पतली बिट कम बिट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम वो मोटी बिट इस्तेमाल करेंगे तो वो बॉल का एज हो जाएगा। तो देखते हैं, ये हमें टेनिस के बैट यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हमने लेना भी टेनिस का बैट ही है। तो यहाँ पर इसके साथ अगर हम देखें तो ऊपर बहुत सी वैरायटी नजर आती है, जैसे बैडमिंटन वगैरह के यहाँ पर हमें रैकेट्स नजर आ जाते हैं, और आगे देखा जाए तो जैसे हाई क्वालिटी है उसी तरह लो क्वालिटी के भी बैडमिंटन बैट नजर आते हैं। और ये देखें यहाँ पर देखें तो ये ट्रॉफीज वगैरह वही, और ये देखें ये बॉल्स वगैरह के हमारे पास जार्स नजर आते हैं जो कि टेनिस बॉल्स हैं, ये डंबल्स जो कि एक्सरसाइज के लिए और वेट लिफ्टिंग के लिए कई लोग यूज करते हैं, और ये डंबल्स जो हैं ये रबड़ के बने हुए हैं जो सही वेट होता है जिन रबड़ का। तो चलते हैं बैट अब टेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। जी भाई क्या नाम है भाई आपका? जी मोहम्मद हमजा नाम है भाई। अच्छा तो हमजा भाई यहाँ पर हम आपकी के नाम पे मेरे ख्याल से दुकान है। जी जी मलिक हमजा स्पोर्ट जी मेरे नाम से। तो मलिक साहब यहाँ पर आपने किस तरह की स्पोर्ट्स के हवाले से, जो पूरी वैरायटी है मतलब कि हर स्पोर्ट्स के लिहाज से जो आपने एक इक्विपमेंट रखा हुआ है, जैसे क्रिकेट का बैट और बॉल वगैरह विकेट्स वगैरह और फुटबॉल के शूज वगैरह, और हमें फुटबॉल नजर आ रहे हैं, इस तरह की और कौन सी स्पोर्ट्स हैं हमारे पास? देखिए हमारे पास जैसे टेनिस बैट्स में आपको काफी वैरायटीज मिलती है, जिसमें आपको सीडी कंपनी के बैट्स, जेडी के, साकी के, तमाम वैरायटीज के बैट्स आपको हमारी शॉप से मिल जाते हैं, अच्छे से लेके अच्छी हल्के से लेके अच्छी क्वालिटी के 250 से लेके वैरायटी स्टार्ट होती है और कम से कम 8-9 हज़ार तक के बैट हमारे पास जाते हैं, काफी वैरायटी के बैट्स होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पास जिस तरह फुटबॉल्स लगे हुए हैं,
फुटबॉल्स की भी वरायटी आपको तमाम हमारे पास से मिल जाएगी, बैडमिंटन रैकेट्स की वरायटी है, इसके अलावा जिम्स के हवाले से मिल जाएंगे डम्बल्स, उसके अलावा ओलंपिक बार्स मिल जाएंगे, प्लेट्स मिल जाएंगी, उसके अलावा आपको हमारे पास और काफ़ी तरह की ट्रॉफीज़ होती हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। मसलन स्पोर्ट्स की जितनी आइटम्स हैं आपको हमारे पास से तमाम वरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, टेबल टेनिस की टेबल, स्नूकर, हर चीज़ आइटम मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता चलूँ हमारे पास कोई बैट्स की वरायटी होती है हमारे पास काफ़ी डिज़ाइन की, जिस तरह आप ये देख सकते हैं काफ़ी वरायटी, हम इसमें आपको दो तीन सैम्पल दिखाते हैं बैट की, हमारे पास बैट की क्वालिटी क्या है। अब ये बैट आप क्या करते हैं, ये हमारे पास सीडी कंपनी के बैट होते हैं, ये वाले सीडी कंपनी के बैट और बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पेशल एडिशन के होते हैं। इसके अंदर मैं आपको क्वालिटी चेक कराऊं, ये प्रॉपर डबल प्रेस होते हैं, जो आजकल के कस्टमर की डिमांड है डबल प्रेस, आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ये इसकी क्वालिटी है। बैट के ऊपर निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, चीज़ भी अच्छी है, फुल डबल प्रेस में। ये दुकानदार कोई भी आपको पूरी मार्केट में इस तरह बैट आपको नहीं चेक कराएगा, क्योंकि क्वालिटी वाइज इसकी लकड़ी बहुत अच्छी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको हमारी शॉप से मिलते हैं। वैसे मार्केट रेट आपका ये अच्छे बैट स्टार्ट होते हैं 4,000 4,500, आपको हमारी शॉप से ये वरायटी 2,000 रुपये से लेकर कम से कम आपको 3,500 4,000 तक की सही टॉप क्वालिटी मिलेगी, जो कि आपके रिटेल प्राइस में 6,500 से 7,000 रुपये के मिलते हैं। आजकल JD की बड़ी डिमांड है, कस्टमर JD की डिमांड बहुत करता है, हमारे पास JD का बैट ओरिजिनल मिल जाएगा। ये सर हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास बैट है JD का ओरिजिनल बैट है ना, ये मेरा पर फुल ओरिजिनल बैट है। तो ये क्या है, ये कोकोनट में? जी जी, ये कोकोनट एडिशन होता है, जिसे टीम आजकल बड़ा मशहूर प्लेयर है क्रिकेटर तैमूर मिर्ज़ा, आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि इस टाइम सही जबरदस्त प्लेयर चले हैं, उनका बैट बना हुआ TM एडिशन के, सबसे जबरदस्त क्वालिटी और ओरिजिनल है TM एडिशन में। उनके नंबर अगर सब मेंशन आप कॉल करके पूछ सकते हैं, इसके अंदर कॉपी भी होती है हमारे पास, वो दो नंबर होती है, हम बकायदा वाजे करके देते हैं, ये ओरिजिनल एक नंबर बैट है कंपनी का TM एडिशन JD स्पोर्ट्स का, दो नंबर भी हम आपको बैट दिखाते चले। अब इसी तरह का ये बैट होता है JD में, ये दो नंबर बैट है, ठीक है, वैसे लोग इसको ओरिजिनल कह के सेल करते हैं पर वो झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, पर ये है कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी होती है ओरिजिनल नहीं होते हैं। हम अपनी वीडियो में आपको बकायदा वाजिया कहना है, कॉपी है, जो ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल कहते हैं, जो कॉपी उसको कॉपी कहते हैं, रोबला कोड बोर्ड में है। इसके अलावा हमारे पास बैडमिंटन रैकेट्स की वरायटी होती है, जिस तरह हम आपको दिखाते चलें, ये हमारे पास यूनेक्स आइको कंपनी का रैकेट है, ये वाली क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास आइको का रैकेट है, चौड़े फ्रेम में होता है और तारें भी इसकी बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको हमारी शॉप से मिल जाएगा। अगर रिटेल से आप लेते हैं तो 1400-1500 की जोड़ी मिलती है, यह सिर्फ आपको हमारी शॉप से सिर्फ 900 रुपये का पेयर मिल जाएगा, बहुत ही मुनासिब प्राइस में। फ्रेम की मोटाई चेक कर सकते हैं, डबल ज्वाइंट है, ग्रिप अच्छी लगी, सिर्फ 900 रुपये में पेयर आपको हमारी शॉप से। तो 900 का सिर्फ, ऐसा क्यों, मतलब कि ये क्वालिटी वाइज हाई है? क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और चीज में चलने वाली भी और क्वालिटी में भी बेस्ट। असल में हमारा काम होलसेल का, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, हमारे पास कोई रिटेल का भी कस्टमर आए तो हम उसको होलसेल में रेट्स दें कस्टमर को। मसलन जो रिटेल से हमारे पास दूर से आते हैं, इस्लामाबाद से आगे, जेलम वाली साइड से, गुजर खान से आगे, दूर से आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि स्पोर्ट्स मार्केट में उनको रेट बहुत मुनासिब मिले, सिर्फ उनके इसीलिए हमने होलसेल रेट सके होते हैं, ताकि कस्टमर्स को रिटेल रेट यहाँ पे ना मिले हमारे मार्केट में। क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, रेट भी मुनासिब मिलेगा और इंशाल्लाह मैार भी अच्छा होगा। इसी तरह शटल्स में आपको सारी वरायटी मिल जाएगी, जिस तरह आपको दिखाते चलेंगे शटल है हमारे पास। अब ये हाइको की शटल है, ये भी आपको कहूँ ये ओरिजिनल नहीं होती है, सब कॉपी है, पाकिस्तानी शटल है, बहुत अच्छी शटल है, इसका लेदर कॉक लगा है आपके सामने, लेदर कॉक शटल है, पर इसका अच्छा होता है, 3 सिलाई में शटल होती है, बहुत मुनासिब प्राइस है। वैसे रिटेल में 120-130 रुपये रिटेल है, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारी शॉप से सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये की मिलेगी, 80 रुपीज़ की, बहुत अच्छी शटल है, मैच लेवल की। अच्छा, तो ये लेदर कॉक से क्या मुराद है इसकी, ये जो लेदर, ये वाला आपको ये जो लेदर कॉक है, ये आपको तारों को डैमेज नहीं करेगी शटल, जिसकी सबसे बड़ी पहचान ये तारों को डैमेज नहीं करती, जो इसके अंदर लोकल आती है वो तारों को डैमेज करती है, उसकी भी मैं आपको, आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये शटर है, ये भी ये पर सेम उसकी क्वालिटी का लगा होता है, पर इसका जो कोक है ना, फोम का कोक लगा होता है, ये बेसिक आपको करती है तारों को डैमेज, जो आपको पहले शटल में वीडियो दिखाई, पहली वीडियो में जो शटल आपको दिखाई है वो आपके तारों को डैमेज नहीं करेगी। इसके अलावा आपको हमारे पास इम्पोर्टेड भी मिलेगी। तो इसकी प्राइस क्या है? ये सिर्फ उसी लोकल वाली आपको हमारे पास 60 रुपये की मिलेगी। अच्छा, वैसे रिटेल में 80 रुपये 90 रुपये आपको मिलती है, सिर्फ उसी 60 रुपये की हमारे पास, महंगी नहीं है। शटल होती है हमारे पास जो कि आपके प्रोफेशनल यूज के लिए होती है, पर के अंदर ये आप क्वालिटी में आपको दिखाऊं, ये वाली आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं, कॉक इसका चेक कर सकते हैं, बतख के पर में शटल होती है, एशवे भी इसमें आपको मिलेगी, यूनेक्स भी मिलेगी, हाइको की भी मिलेगी, इसके अंदर 5-6 स्टैम्प्स हमारे पास अवेलेबल होती है। ये प्रोफेशनल यूज के लिए शटल होती है, जो कि हाई लेवल क्लास की जो गेम्स के लिए होती है ना, वो शटल है, इसकी भी बहुत रीजनेबल प्राइस है हमारे पास। वैसे ये आपके 250-300 रुपये पर शटल रिटेल होती है, सिर्फ से हम आपको 180-200 रुपये की शटल आपको हमारी शॉप है, हम आपको यहाँ पे देंगे, बहुत मुनासिब प्राइस। ये इसका कॉक जो है, कॉक वो किसका है?
ये प्रोफेशनल शटल है, मतलब जो अच्छे लेवल की गेम के लिए होते हैं, जो क्लब लेवल के जो अच्छे लेवल के प्लेयर आपके खेलते हैं, जो कि 8-10 हज़ार रुपये का रैकेट होता है, जिस रैकेट शटल्स खेलने के लिए होती है प्रोफेशनल यूज़ के लिए, वो वाली शटल है। अच्छा नॉर्मल यूज़ नहीं आप इसको कर सकते, नॉर्मल यूज़ करेंगे फायदा नहीं आपको, मजा नहीं आएगा। प्रॉपर कोर्ट शटल होती है ये, जो अच्छे लेवल की होती है। इसी तरह हमारे पास फुटबॉल में हम आपको वरायटी दिखाते चलूँ, फुटबॉल में होता है जिस तरह भी देख सकते हैं जिम्स की वरायटी। तो भाई साहब देखे, सेहत से बढ़ के हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमने डंबल उठा लिए हैं। ये डंबल की भी हम इनसे प्राइस करेंगे। और ये इस टाइम जो डंबल मैंने उठाया हुआ है, ये 2 kg का है, जो कि नॉर्मल यूज के लिए होता है और नॉर्मल मेरी तरह के सेहत के लोगों के लिए होता है, जो कि थोड़ी सी अपने ट्राइसेप्स और बाइसेप्स बनाना चाहते हैं। और ये इसकी मैं क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे ये नजर आ रहा है हाई, जो सख्त रबड़ होता है उस तरह नजर आ रहे हैं। इन भाई से भी मैं पूछता हूँ कि इस तरह के और कौन से डंबल है और कितनी इनकी प्राइस है। तो चलते हैं और ये भाई मेरे साथ खड़े हो गए, चलें। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भाई, चलें जी, अब बताएं हमारे इस डंबल के बारे में बताएं। जी हमारे पास डंबल्स आपको तमाम साइजेस के मिल जाएंगे, जिसमें हमारे पास 1 kg से लेके आपको 30 kg तक डंबल मिलता है, और बहुत मुनासिब प्राइस में होता है हमारे पास। जिस तरह मार्केट में रेट इसका चलता है 250 रुपये पर केजी, हम आपको देते हैं 200 रुपये पर केजी में देंगे डंबल आपको बहुत मुनासिब प्राइस में। और इसमें आपको केजी 2 किलो, 3 किलो, 4, 5, 8, 10 सारे साइज अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब जो भी आप। अब ये वाला डंबल होता है, ये रबड़ कोटेड में डंबल होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, अगर ये आपको जमीन पर फेंक भी दे तो इसकी रबड़ वगैरह फटती नहीं है और टायर डैमेज नहीं करती, पंव वगैरह पे भी गिर जाए तो ये आपके कम से कम पाँव को डैमेज नहीं करेगी। इसी तरह हमारे पास इसमें आपको रंबल, ये फिक्स रंबल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ एडजस्ट होते हैं अगर प्लेटों में चाहिए। इसी तरह हमारे पास ये प्लेट होती है, ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं 4 kg की प्लेट है, इसके अंदर आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। इसके अंदर 1 kg, 2, 3, 4, 5, 8, 10 सारे साइज की प्लेट्स अवेलेबल हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मसलन हैवी करना चाहिए, हैवी वेट लगा लें, वेट बढ़ाना चेक करवा लें, ये चेस्ट पे भी लग जाती है, तमाम इसके अंदर प्लेट्स में आपकी तमाम अच्छा, गेम तो लग एक जाती मेरे आपसे था कि अगर अब जिस तरह हम कहीं डंबल्स देखते हैं वो है। हमें जी जी मेटालिक लगते हैं, जी तो जी ये हाँ तो अभी रबड़ में है, कोई मेटालिक में भी होते हैं जी, डंबल्स? मेटालिक में भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा आपको इसके रॉड्स वगैरह चेक करूँ, उसके बाद में मैं आपको मेटालिक की डंबल्स की प्लेट्स भी चेक कराता हूँ। इसके अलावा हमारे पास अभी यार रॉड देख सकते हैं, इसके साथ ये प्लेट्स के लिए रॉड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये साइज बड़ा साइज है 6 फुट का, इसके अंदर आपको 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट सारे साइजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा डंबल रॉड्स के पेयर होते हैं, वो भी मिलेंगे, जो आप डंबल अगर आप बना सकते हैं, ये भी बहुत मुनासिब प्राइस में आपको हमारे पास मिल जाता है। इसके अलावा आजकल जो प्रोफेशनल लेग चलते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक प्लेट्स वगैरह, ओलंपिक बार चलते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं, वो भी आपको हमारे पास में मिल जाएंगे। इसी क्वालिटी हम आपको दिखाते चले, ये क्वालिटी हमारे पास प्रोफेशनल ओलंपिक बार होता है, ठीक है। मार्केट से आपको बहुत कम मिलता है, पर अलहमदिल्ला हमारे पास ये वरायटी अवेलेबल है, जो कस्टमर ने भी आना चाहिए वो हम आपको इंशाल्लाह वरायटी आपको हमारी शॉप से इस मिल जाएगी। रॉड का वेट ही बहुत ज्यादा लग रहा है, तो क्या कितना वेट होगा? ये 50 है? नहीं, ये कम से कम भी आपका 18 से 20 किलो का रॉड होता है, ये हैवी वेट होता है और ये प्रोफेशनल वेट के लिए होता है। ये अभी छोटा साइज है, कम से कम 4.5 फुट का रॉड है, इसमें आपको साइजेस मिलेंगे 6.5 फुट भी होता है, 7.5 फुट भी होता है। तो अभी हम आपको इनकी प्लेटें दिखाते चले, हमारे पास इस तरह प्लेटें पड़ी आपको, जिस तरह पहले में दिखाई रबड़ की प्लेट, इसी तरह मैं आपको लोहे वाली प्लेट का कराता हूँ, जिस तरह भी देख सकते हैं। तो ये अभी हमें लोहे वाली प्लेट दिखाने लगे हैं, और मेरे ख्याल से वो जो इन्होंने प्रोफेशनल वाला रॉड दिखाया है, अगर वही इतना भारी है तो प्लेट लगा के देखें कितने जैसा भारी आप ये करेगा। देख सकते हैं, ये हमारे पास लोहे की प्लेट है, ठीक है, क्रोम प्लेट होती है लोहे की। इसमें आपको सारे साइजेस मिल जाएंगे, जिस तरह आपको 1 kg, 2 kg, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 kg, 20 kg तक प्लेट का साइज के अंदर अवेलेबल होता है। ये भी आपको हमारे पास से तमाम वरायटी मिलेगी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमारे पास से मिलती है आपको। इसका रेट प्रॉपर मेटल का रेट फिलहाल जो मौजूदा महंगाई के हिसाब से इसका रेट चला है 300 रुपीज पर केजी, ठीक है। वैसे तो इसका रेट कुछ टाइम पहले मुनासा था, अभी इसका 300 रुपये पर केजी, आगे का कुछ कह नहीं सकते, अब रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रेट हमें भी बढ़वाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जिम के और एक्सेसरीज भी मिलती है, रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं हमारे पास, साइज के लूप सेट्स होते हैं, वो भी काफी वरायटी होती है। असल में वरायटी तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, पर आपको सारी वरायटी खोल के दिखा नहीं सकते, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, असल में दुकानदारी भी है, सारी में हम आपको आइटम दिखा नहीं सकते। इसके लिए हमारा बेसिक अपना चैनल भी है मलिक हमजा स्पोर्ट्स के नाम से यूट्यूब पे, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, उसमें भी हमारी तमाम आइटम्स देख सकते हैं। ये भाई का चैनल है, इंशाल्लाह भाई का भी जो चैनल देख रहा है उसको मजीद डिस्काउंट भी करेंगे, इंशाल्लाह कॉर्पोरेट भी भाई के साथ फुल करेंगे इंशाल्लाह, जो भाई का चैनल देख हमारे पास है। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास एक फुटबॉल नजर आ गया हमें, और ये बड़ा अच्छी क्वालिटी में फुटबॉल नजर आ रहा है। ये देखें, अब ये फुटबॉल जो है, ये मुझे इस टाइम जो है ना, ये मुझे फाइबर कॉटेड नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर हमें डिफरेंट स्टाइल्स इसमें नजर, जिसमें हमें 4 ही स्टाइल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये किस कंपनी के है? वैसे तो ये फीफा क्वालिटी प्रो रखी हुई है, जिसको हम कहते हैं इंपोर्टेड क्वालिटी जिसको कहते हैं। और यहाँ पर हमारे एक कस्टमर पीछे बैठे हुए हैं, ये बाहर भेजने के चक्कर में है अपने बच्चों के लिए, तो देखते हैं। और हमें घूर रहे भी है, अब ये देखें, तो अभी इसमें हवा नहीं है, अगर हवा होती तो मैं आपको इसको थोड़ा बना के दिखाता। चलें जी, वीडियो बंद कर देंगे।
अच्छा जी, तो जरियाब भाई हमारे साथ आ गए हैं। तो जरियाब भाई आप बताएं कि ये जो बैट हमने लिया है, ये वाला, ये हमने बैट लिया है अपना बिलीव का, ठीक है, ये बैट हमने क्यों लिया है? ऐसा क्या था कि यही बैट हमने चूज किया, और ऐसी क्या वजूहात बनी कि बैट ये हमने चूज किया है? इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी, और इसमें कितनी प्राइस में ये मिल जाता है, और हमने कहाँ से लिया, ये भी आपने मुझे बताना है, तो बताइए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं जरियाब। अच्छा, इस बैट को लेने की वजह एक तो ये थी कि एक हमें ये मुनासिब कीमत मिल गया और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि आपको बताया कि हमजा भाई की शॉप पे एक अच्छी क्वालिटी में चीज़ और मुनासिब कीमत में चीज़ मिल जाती है। तो इसको एक लेने की वजह ये थी कि ये वुडी स्टाइल में और बहुत क्लासी सा स्टाइल लग रहा है और एक अच्छी लकड़ी है, तो जिसकी वजह से मैंने इसे लिया है। और ये लकड़ी रावलकोटी लकड़ी है, जिसकी वजह से मैंने इस बैट को पसंद किया है। अगर वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैट में कोको बनट वुड आ जाता है, श्रीलंकन वुड आ जाती है, लेकिन हम उस चीज़ को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लेकिन इस वजह से हमने इस चीज़ को, इस लकड़ी को और इस बैट को चूज़ किया है। ये स्पेशल बैट मैंने अपने भाई रेहान के लिए लिया है कि उनकी पसंद का बैट है। इसकी जो विड्थ है ये 5 इंचज़ है और इसकी लेंथ जो है तकरीबन 3.5 फुट है, 3.5 फुट है। तो इसकी लेने की वजह तो ये भी है कि ये मेरे भाई की ख्वाहिश थी, रियान भाई की, कि इसकी जो विड्थ है ये 5 इंचज़ होनी चाहिए और इसका कलर ये वुडी स्टाइल में होना चाहिए। बाकी ये कि आपको बैट लेने की एक सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी पड़ती है कि आप सबसे पहले वुड देखें, और इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जिस वुड पर कलर हुआ होता है वो लकड़ी हमेशा किसी ना किसी फॉल्ट को छुपाने के लिए यूज़ की जाती है, उसके ऊपर कलर इसलिए किया जाता है। अब ये हमने वुड स्टाइल में लिया, वुड कलर में लिया है, इसके सामने इसकी सारी ओरिजिनलिटी इसके सामने है। जिसके ऊपर कलर होता है उसके अंदर अक्सर प्रोटीन वगैरह या चूना वगैरह भरा भरा जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर ख़राब हो जाता है बैट और दराड़े आ जाती हैं। दूसरा ये कि अगर आपने एक मुनासिब कीमत में बैट लेना है, जो आपने थोड़ी कीमत में बैट लेना है, तो आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा सा इसे थोड़ा सा मोटा ले बैट, जिसकी वजह से ये है कि अगर आप बारीक बैट लेते हैं और सस्ता ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, उसको टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपने बारीक बैट आपको पसंद है तो आपको चाहिए कि श्रीलंकन वुड या कोकोनट वुड का लें। अच्छा, तो भाई ने श्रीलंकन वुड और कोकोनट की बात की है, क्योंकि वो थोड़े महंगे होते हैं और होते भी अच्छे हैं, क्योंकि वो टेप बॉल के लिए अच्छे होते हैं। तो भाईजान आप मुझे इससे ग्रिप के बारे में बताएं कि जो ग्रिप आपने थोड़ी सी जो चुभने वाली होती है वो ली है, ऐसा क्या वजह बनी कि क्योंकि स्मूथ ग्रिप भी हमें मिल रही थी वो क्यों नहीं लिया आपने? अच्छा, ये स्मूथ ग्रिप का ये होता है कि स्मूथ ग्रिप आपके अक्सर, जैसा कि अब सीजन भी गर्मियों का चल रहा है तो आप खेलते खेलते आपको अक्सर पसीना आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो स्मूथ ग्रिप स्लिप करने लगती है और फटने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। ये ग्रिप एक थोड़ी सी हार्ड ग्रिप है, जिसका ये फायदा है कि आपके हाथ के ऊपर ये बैठ जाती है और ये स्लिप नहीं करती और जल्दी फटने के चांसेस नहीं होते, और जबकि ये ग्रिप अच्छी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इस ग्रिप को चूज़ किया है। अच्छा, तो रियान तो देख रहा है ये तेरे तेरे पैसों से लेके बैठ तुझे ये एहसान जता रहा है, कितना ही बंदा है ना? ये देखा, ये गलत बात है, ये व्यूअर्स देखेंगे, ये कह रहा था ये गिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये मुझे समझ नहीं आई बात कुछ गिफ्ट करने वाली। यार सामने खुलेआम जलील नहीं, जलील नहीं कर रहा मैं, देखो एहसान बनता है, बनता है। देखो इतना दूर हम आए हैं तेरे लिए, बैट लिया हमने, इतनी हमने तहकीक की है इसके बारे में, अब तुझे पता चल गया ना ये इतना ये बैट हमने क्यों लिया है। चले तो दोस्तों आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है, और मेरा भाई रियान जरियाब हमारे साथ था, जिसने हमें एक बड़ी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी है जो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि बैट लेना इसी को आता था, इसलिए रियान ने इसी को चूज किया, और मैं एज अ बस वो बाइकी वाला नहीं होता, लेके जा रहा होता है, वो वाला सीन हुआ है। तो भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरी अल्फाज आपके क्या होंगे? अल्लाह हाफिज होंगे। बस ये अल्लाह हाफिज मेरे अल्फाज होंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये इस दुकान को सजेस्ट करता हूँ कि इस दुकान पे आएँ और यहाँ पर आपको अच्छी वैरायटी मिलेगी और हर किस्म की वैरायटी मिलेगी और मुनासिब कीमत में मिलेगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।